ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली। हमारे साथ हरभजन सिंह जी हैं, ये उनसे बात करते हैं। हरभजन जी, किस तरह से आप देखते हैं स्पोर्ट्स में, जिस तरह से बहुत उम्मीदें थी विनेश फोगट से और देश के लिए वो एक बहुत बड़ा मेडल ला सकती थी जो कि एक ऐतिहासिक होता गोल्ड। देखिए विनेश हमारे लिए हमारा सम्मान है, देश की बेटी है और उसने देश का बहुत नाम ऊंचा किया है। बहुत छोटे से मार्जिन से किसी को डिस्क्वालीफाई कर देना, ये रूल्स को दोबारा एक बार मुझे लगता है पढ़ने और लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एथलीट जो है ना, जब वहाँ पे जाता है खेलने तो बहुत उम्मीदें लेके जाता है, बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है। ओलंपिक्स में पहुँचना बहुत मुश्किल काम है और वहाँ पे इस कगार पे आना कि मेडल के बिल्कुल करीब आके आप मेडल से दूर हो जाओ, वो भी बिना खेले हुए, ये उस एथलीट के ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो सिर्फ वो ही जानता है। बट हम ये दुख भरी घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, वो हमारी बहन, हम उनके साथ खड़े हैं और यही कहेंगे कि आप हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट हो। बट ये ज़रूर कहूँगा कि ओलंपिक संघ को कि अपने नियमों को और असूलों को दोबारा एक बार देखिए कि 100 ग्राम बहुत कम मार्जिन होता है। अगर आप सो के कभी कभार उठते हैं, ज़्यादा पानी पी भी लेते हैं ना, तो उससे भी आपका वजन ऊपर हो जाता है। तो ये आप किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हो छोटे से मार्जिन से, आपको ये देखना चाहिए। सैल्यूट है उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को कि जो उन्होंने किया है हमारे लिए वो विजेता है। ऐसे भी मांगे उठ रही कि बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पे भावनाएं जो है वो अपने चरम पर है और पूरा देश का दिल टूटा है एक तरीके से, तो कई नेता कह रहे हैं कि बहिष्कार कर देना चाहिए या जांच होनी चाहिए। क्या जांच तो होनी चाहिए, मैं तो जरूर कहूंगा जांच होनी चाहिए। और हमारी ये एथलीट जो है, ये हमारा प्राइड है, जब ये वहाँ पे जाके खेलते हैं भारत के लिए तो ये हमारा सर जो है वो और ऊंचा करते हैं, झंडा और ऊंचा करते हैं भारत का, तो इसकी जान जरूर होनी चाहिए। और एक एथलीट के पीछे जब हम पूरे भारतीय खड़े हो जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड को भी पता लगना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ, कि ये एथलीट वहाँ पे अकेला नहीं, पूरा भारत उनके साथ है। पीएम साहब ने ट्वीट किया है कि चैंपियन ऑफ चैंपियंस है वो, हम लोग की चैंपियन हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, वो चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी, गोल्ड मेडलिस्ट, चाहे वो अभी शायद ना बन पाए क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, बट हमारे लिए शी इज अ गोल्ड गर्ल। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।